नमस्कार, मोबाइल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। 20 से 10 शहरों की 10 बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पावर प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 750 मेगावाट क्षमता वाले रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पित कर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। सौर ऊर्जा पावर प्लांट का लोकार्पण कार्यक्रम 10 जुलाई को होना निश्चित हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को रीवा में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पावर प्लांट के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित 21 राज्यों में कोरोना से ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत 60.77% की तुलना से ज्यादा है। भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 6.73 लाख और मृतकों की संख्या 19,268 हो गई है। भारत सरकार द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोरोना से निपटने के लिए किए गए सामूहिक प्रयास के कारण अभी तक 4,09,082 मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में कोरोना के 2,44,814 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक हो चुके लोगों की संख्या इलाज करा रहे लोगों से 1,64,268 अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 14,856 मरीज ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक महिला ने 4 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। बच्चे ऑपरेशन से पैदा हुए हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन एक नर्सिंग होम में यह किलकारियां गुरुजी। नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर ने कहा कि गुरु पर्व पर यह मेरे तरफ से गुरुओं का तोहफा है। परिजनों ने अल्लाह को शुक्रिया कहा है। और आज इतने अच्छे दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, और आज ये 4 बच्चे यहाँ पे ऑपरेशन द्वारा पैदा हुए हैं। क्योंकि चारों बच्चे बेड़े थे, सीधे नहीं थे, इस वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ा। और मुझे लगता है कि आज के इतने शुभ दिन पर ये मेरे तरफ से मेरे गुरुओं को जो मुझे सिखाए हैं उनके लिए तोहफा है। पिछले 3 दिनों से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है। बारिश से पवई इलाके स्थित पवई झील पूरी तरह से भर गया है। झील का पानी बांध से ओवरफ्लो करने लगा है। मुंबई उपनगर में आने वाला पवई झील यह मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आता है। पवई झील मुंबई के बीएमसी मुख्यालय से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। इस झील की 545 करोड़ लीटर पानी की क्षमता है। साल 1890 में 12 लाख रुपए खर्च कर यह कृत्रिम झील बनाया गया था। झील का पानी पीने योग्य नहीं है, इसलिए इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र के लिए किया जाता है। ओवरफ्लो होने की वजह से अब यह पानी मीठी नदी में जाकर मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं, जहां वे गोरखनाथ मंदिर में पुलिस थानों की 100 स्कूटी भेजने के लिए हरी झंडी दिखाया। वहीं वे गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस का प्रकोप के चलते बैठकें की और जिलाधिकारी एवं स्वास्थ्य आयुक्त के साथ खास निर्देश जारी किए। दरअसल यहां इन दिनों इंसेफेलाइटिस का प्रकोप काफी होता है। ऐसे समय में बच्चों का खास ध्यान रखना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कार्टून बनाकर ट्वीट किया था, जिसके बाद पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल ने ट्वीट पर पलटवार कर कई आरोप अखिलेश यादव पर जड़ दिए। ब्रिजलाल ने कहा कि अखिलेश यादव ने शहादत हुए पुलिसकर्मियों का अपमान किया है। उन्हें क्या मालूम पुलिसकर्मियों की शहादत की कीमत, जिन्होंने कई केस में ऐसे आदमियों को साथ दिया जो देशद्रोह है। हरिद्वार में नमामि गंगे योजना के तहत 23 करोड़ की लागत से बनी सिंचाई नहर 1 महीने भी नहीं टिक पाई। घटिया निर्माण सामग्री लगाने के कारण नहर 2 जगह से टूट गई है। नहर टूटने से सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। नमामि गंगे हरिद्वार एसटीएफ से जोड़ा गया है। यहाँ गंदे पानी का ट्रीटमेंट करके इसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाना है। जो ये जो विभागीय अधिकारी हैं, इनकी घोर लापरवाही है, क्योंकि जिस समय यहाँ पे कार्य चल रहे थे उस समय किसी भी अधिकारी ने जहमत नहीं उठाई है कि साइड पे जाके चेक कर ले कि ठेकेदार द्वारा क्या कार्य हो रहा है। उसी का खामियाजा आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है। संज्ञान टूटने का संज्ञान आज ही सुबह मुझे पता लगा है। कल संडे है, मंडे ट्यूजडे में जो भी होगा हम कार्रवाई कर लेंगे। उसमें मेरे पास अगर लिखित में आएगा तो मैं उस पर जाँच करूँगा, कार्रवाई करूँगा। तो मुझे लिखित में कोई देगा तो उसी पे हम कार्रवाई करेंगे ना, जाँच रखेंगे, कार्रवाई करेंगे, ये मैं आपको बताना। उसका पूरा परीक्षण करा करके जाँच देंगे और जिन अधिकारियों ने ये किया है उनको दंडित कर।
सुंदर नारंगी फूल और बड़े बड़े पत्तों वाला यह पौधा पटवा का पौधा है। पटवा का वनस्पति नाम मिजोट्रॉपिक स्पेलिटॉय यानी पटवा की है। इस विलुप्त प्राय पौधे की दुनिया में पहचान सर्वप्रथम 1925 में ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक आसमा स्टोन ने सरोवर नगरी के निकट पंटवा डांगर में की थी। उनके अनुसार यह पौधा नेपाल के काली कुमाऊ एवं धोती जिले में ही पाए जाते थे, किंतु वर्तमान में यह पौधा उत्तराखंड के पंटवा डांगर नाम के स्थान पर भी उपलब्ध है और इसके यहाँ भी कम पौधे बचे हैं। कुमायूं विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर ललित तिवारी ने बताया कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुमायूं विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग भीमताल में उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वित्त पोषित परियोजना के द्वारा इसके संवर्धन तथा संरक्षण के लिए उत्तक संवर्धन की एक प्रभावशाली विधि तैयार की जा रही है। पटवा डांगर जो है पटवा के नाम पर ही बना। पटवा का वनस्पतिक नाम मिजोट्रॉपिस पेलिटा है, जो फेबेसी फैमिली का है और इसके जो रूट्स होते हैं उसमें नूडल्स पाए जाता है और ये जो भूमि की उर्वरकता है उसको बढ़ाने का काम करता है। पहले तो सर ये प्रचुर मात्रा में हुआ करता था सर, पर अब ये धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुँच गया है सर। जी सर, इसका बीज ही निकाल लेते हैं हम। खूबसूरत लोकेशंस में एक बार फिर फिल्म्स, सीरियल्स और वेब सीरीज की शूटिंग शीघ्र ही प्रारंभ हो सकेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश पर्यटन निगम की ओर से फिल्म्स एंड सीरियल्स की शूटिंग के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंधक संचालक सोनिया मीना ने बताया है कि इस एडवाइजरी में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार नियम बनाए गए हैं। शासन द्वारा समय समय पर संशोधित दिशा निर्देश के साथ ही इस एडवाइजरी में भी संशोधन किया जा सकता है। एडवाइजरी को पब्लिक डोमेन में दिया गया है। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग को जल्द ही सैनिक स्कूल की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके निवास स्थान पर मुलाकात करने के बाद यह सूचना दी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने चंबल संभाग के भिंड मुरैना जिले में सैनिक स्कूल खोलने की मांग केंद्रीय रक्षा मंत्री से की थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह मांग काफी अरसे से लंबित है। सन 2017 में रक्षा मंत्रालय के संस्थान डीआरडीओ के लिए 334 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार को दी गई थी। तब तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके एवं में चंबल संभाग में सैनिक स्कूल खोले जाने की बात कही थी। चौहान ने बताया कि सैनिक स्कूल के लिए राज्य सरकार ने जमीन भी चिन्हित कर ली है। तो ये थी 10 शहरों की 10 बड़ी खबर। नमस्कार।